दोस्तों, ये हिमाचल की फेवरेट डिश है कचनार, जो बहुत ही मशहूर होती है। नेचुरल सब्जी है। तो दोस्तों, मैंने इसे उबाल लिए थे पहले, और उसके बाद मैंने इसमें लगा दिया था तड़का, और बनकर हो गई थी तैयार। दोस्तों, हेलो एवरीवन, नमस्कार, कैसे हैं? आइए आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, मैंने लंच वगैरह कर लिया है और रेसिपी आपको दिखा दी थी, कचनार की रेसिपी बहुत टेस्टी बनी थी सब्जी। तो लंच वगैरह हो गया है दोस्तों, अब मैं चलता हूँ सिटी की तरफ। बाल हो गए हैं दोस्तों बहुत ही बड़े बड़े, शायद इनको कटा के आता हूँ, और जितना मैं शूट कर पाऊँगा दोस्तों आप लोगों से शेयर करूँगा। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए करते हैं सफ़र की शुरुआत, चलिए मेरे साथ। दोस्तों, चंबा घाट में चला फोर लेन का काम, तो बड़ी बड़ी गाड़ियां देखो कैसे जा रही हैं। दोस्तों, मैं ले चलता हूं अभी आपको रेलवे स्टेशन की तरफ, थोड़ा ही रह गया है यहां से नीचे, उसके बाद दिखाएंगे आपको थोड़ा सा सिटी का। तो चलते हैं, थोड़ा नीचे ही रह गया थोड़ा सा, ये काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है, चलते हैं। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं सोलन के रेलवे स्टेशन की तरफ। चलो दिखाते हैं यहाँ से कुछ बढ़िया से सिनेमेटिक लुक्स। दोस्तों, ये सोलन का मेन रेलवे स्टेशन है, और बहुत ही सुंदरता से यहाँ पे इसका रख रखाव किया गया है दोस्तों। तो सामने से दोस्तों बहुत ही शानदार दिखाई देता है ये, इसकी खूबसूरती बहुत ही शानदार है दोस्तों। दोस्तों, मैं अभी रेलवे स्टेशन मैंने आपको दिखा दिया है, मैं इसके बाद जाऊँगा सीढ़ी की तरफ, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसके बाद सीधा पहुंचते हैं सिटी की तरफ। तो चलिए दोस्तों, रेलवे स्टेशन मैंने छोड़ दिया है, देखते हैं सिटी में क्या चल रहा है ऊपर। तो चलिए दोस्तों, करते हैं। दोस्तों, चिल्ड्रन पार्क कुछ इस तरीके से बना है, बहुत ही खूबसूरत है ये भी पार्क, बीच बाजार के बीच में ही है ये चिल्ड्रन पार्क के नाम से। दोस्तों, अब चलते हैं बाहर की ओर। तो दोस्तों, ये है माल रोड। शाम को 5:30 बजे के बाद बहुत ज़्यादा रश होता है, नो एंट्री जाती है गाड़ियों को, तो पब्लिक बहुत ज़्यादा घूमती है यहाँ पर। तो दोस्तों, एक जगह बैठकर थोड़ा सा खाने का स्वाद लिया, काफ़ी भूख लग चुकी थी घूमकर। तो दोस्तों, इसके बाद ले चलते हैं आपको जौहर पार्क की तरफ। तो दोस्तों, ये है सोलन का जौहर पार्क, ये भी काफ़ी खूबसूरत है देखने में, पहले जैसा तो नहीं है लेकिन ठीक ही है मतलब। Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out. Yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head. ये था जौहर पार्क। बाकी अब ले चलते हैं दोस्तों, चलते हैं सिटी की तरफ। दोस्तों, चारों तरफ पहाड़ियाँ और बीच में सोलन शहर बसा है, और जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। और ये दोस्तों प्लेग्राउंड है, ठोडो ग्राउंड के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यहाँ मेला भी होता है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जो साल में एक बार आता है ना दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। दोस्तों, चलते हैं आगे। तो दोस्तों, ये है सोलन की मार्केट। ऐसी बात नहीं, तो दोस्तों मार्केट में आके थोड़ी सी मैंने की है शॉपिंग्स, देख सकते हैं आप शर्ट है ना बहुत प्यारी प्यारी। और दोस्तों, अब चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, सारा बाज़ार घूमने के बाद आखिरकार मैं घर के करीब ही हूँ, बस पहुँचने वाला हूँ। सारा दिन धूप में यार क्या ब्लॉगिंग करेंगे, बड़े हाल हो गए थक के। ओ पाजी, 12 बज गए साढ़े,
फिर भी मैंने थोड़ा सा किया। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा ब्लॉग, तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलूँगा एक और ऐसे ही नए सफ़र के साथ, तब तक दीजिए मुझे आज्ञा। जय हिंद दोस्तों, जय भोले शंकर की।